तो भक्तजनों, मैं आ गया हूँ गोगा मैंडी धाम और मैं दर्शन के लिए लाइन में लगा हुआ हूँ। भक्तगढ़ भी दर्शन करने के लिए लाइन में लग रहे हैं और ये काफ़ी दूर से लाइन स्टार्ट है। देखिए, बल्लियों द्वारा ये बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग द्वारा दिखा रहा हूँ मैं आपको लाइन। बहुत बड़ी लाइन है, अभी तो यहाँ पर भीड़ नहीं है लेकिन मंदिर के आगे से बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा रहा हूँ। रेत इतना गर्म है कि पैर जल रहे हैं और ऊपर बैरिकेडिंग के ऊपर टेंट लगाया हुआ है जिससे लाइन में भक्तों को परेशान ना हो, दूर से पैर न जले। वैसे यहाँ पे बैरिकेडिंग किया हुआ है, कहीं से यात्री कूदे ना, वो दूर बैरिकेडिंग दिखाया हुआ है। और इधर से बहुत ही ज़्यादा गर्मी का असर है। तो देख रहे हो आप, मैं लाइन में लगा हुआ हूँ और दर्शन कराने जा रहा हूँ आपको गोगा मैडी के। तो क्षमा चाहूँगा अगर गोगा मैडी के दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो मैं बाहर मंदिर तक तो आपको दर्शन करा ही दूँगा। भादों की आज चौथ तिथि है, आज के दिन भी काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर भीड़ आई हुई है लेकिन दो दिन बाद जैसे छठ और सातवें तो यहाँ पर बहुत ही अधिक भीड़ होने वाली है दोस्तों, बहुत ही अधिक भीड़ होने वाली है। और ये भीड़ जो हम इतनी तेज़ी से यहाँ से चल रहे हैं, बहुत दूरी तक निकलने की जगह भी नहीं बचेगी इसमें। और इधर आप देख सकते हो किस तरीका से भक्तजन आ रहे हैं, कितने तरीका के इसमें मोड़ दे रखे हैं और ये लाइन घुमा के दे रखी है क्योंकि भीड़ को संभाला जा सके। देख सकते हो बैरिकेडिंग किस प्रकार की हुई है, यहाँ पर लोहे की बैरिकेडिंग आ गई है, जाली लगाई हुई है जिससे भक्तजन इसके अंदर ना घुसे और अपनी लाइन में नियम अनुसार चले, लाइन क्रॉस नहीं करें। देखो कितने इधर को चल दिए हैं भक्तजन और हम इधर जा रहे हैं, कुछ भक्तजन इधर से आ रहे हैं, मतलब 8-9 लाइनें हैं। अच्छा वागली है, ठीक है वागली भाई। 4 बजे जा रही है, गलत में तो नहीं आ रहे? चलो भाई चलो भाई, कोई नहीं भाई, थोड़ा कष्ट झेल लेंगे। भक्तों में भगदड़ मची हुई है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। दर्शन तो सभी को होंगे लेकिन भक्तजन कुछ ज़्यादा ही उतावलापन दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत तेज़ी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से, व्यवस्था को चरमर कर देते हैं। किस तरीके से बैरिकेडिंग इधर आप देख सकते हो और इधर ये ब्रिज बनाया हुआ है, अब हमें इस ब्रिज के ऊपर से पार करना है। आजा गोदिया, ब्रिज के ऊपर से पार करना है और ताकि पब्लिक नीचे से निकल सके और दूसरी तरफ पहुंच सके, इसलिए ब्रिज यहाँ से बनाया हुआ है। देख सकते हो दूर गला जा रहा, इधर झूले वगैरह हैं, इधर ये झूले वगैरह लगाए हुए हैं, इधर से गोगा मैडी का धाम है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। इधर हम बहुत दूर आ चुके हैं लाइन में और अभी इसी लाइन में घूम रहे हैं। देख सकते हो लाइन किस हिसाब से घूम रही है, बहुत ही बुरी भीड़, काफ़ी भीड़। और हम बहुत ही भीड़ है बाबा के धाम पर, बहुत भीड़। भक्तजन काफ़ी मशक्कत के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत ही बुरा हाल है लाइन से, बहुत बुरा हाल है भीड़ का। देखो बाबा की मैड़ी वहाँ पे चमक रही है, पुजारी गोगा जी महाराज का मंदिर है, तपोभूमि राजस्थान में हम पधार चुके हैं बागड़ धाम में। भक्तजन हम दर्शन के लिए बिल्कुल मंदिर के समीप आ गए हैं और अभी तक जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है।
भक्तजनों के लिए यहाँ पर कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे भक्तजनों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। बच्चे बूढ़े जवान सब तरह के यात्री दर्शन करने आए हैं बाबा जागीर के। हमें तो बस समझ में नहीं आ रहा है क्या। और ये मिक्की माउस है ना, मिक्की माउस। और उधर जो लाइटिंग में दिख रहा है, उधर लाइटिंग में ये वाला बहुत बड़ा हिंडोले वाला झूला है, हिंडोले वाला। और तो कौन सा वाला झूला, वो ऐसे करोगे ऐसे झूला, पता ही नहीं उसका नाम क्या, झूले का पता नहीं क्या झूला है वो। और ये प्रसाद है, प्रसाद चलने वाला ही हम चढ़ा के आए हैं। मिक्की माउस ये ब्रेक डांस, उसका 50 रुपये का टिकट है, झूलने बस।